तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताना हूँ बहुत ही कमाल के एक फीचर के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आपको सैमसंग गैलरी के अंदर मिलता है। बहुत ही शानदार फीचर है ये जो फीचर मिलता है आपको ऑब्जेक्टर इरेजर के अंदर मिलता है। जैसा कि आपको बताओ सैमसंग गैलेक्सी के अंदर खुद का फोटो एडिटर होता है, तो उसके अंदर एक ऑप्शन होता है ऑब्जेक्ट इरेजर, तो उसके अंदर जाके ये फीचर मिलता है। बहुत ही कमाल का ये फीचर है। क्या ये फीचर है, कैसे यूज़ करते हैं और एक्चुअल में आपके कैसे यूजफुल होने वाला है, तो आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार आपको सबसे पहले मिलती रहे, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर लें। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल एज ए टेक में। दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलरी का कमाल का फीचर बताने वाला हूँ, जो कि मिलता है आपको ऑब्जेक्ट इरेजर के अंदर। तो सबसे पहले मैं ले जा रहा हूँ यहाँ पर आपको गैलरी के अंदर। गैलरी के अंदर जाने के बाद, तो गैलरी के जाने के बाद मैं आ गया हूँ अपनी कोई सी भी एक फ़ोटो पे। मान लो ये एक मेरी फ़ोटो है, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे मेरी एक फ़ोटो है, और पीछे बैकग्राउंड में कोई दूसरे लोग भी इस फोटो में दिख रहे हैं, और या फिर मुझे कुछ भी चीज़ ऐसा लग रहा है कि मुझे ये चीज़ अपने फ़ोटो में नहीं चाहिए, मुझे उसको हटाना है। तो ये आपको सैमसंग गैलेक्सी के अंदर कमाल का फीचर मिलता है, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट इरेजर। अब ऑब्जेक्ट इरेजर के अंदर भी एक कमाल का फीचर आ गया। जैसा कि मैं ऑब्जेक्ट इरेजर में आ जाऊँ, ऑब्जेक्ट इरेजर के अंदर के जाने के बाद भी आपको एक कमाल का फीचर मिलने लगा, जिसका नाम है मैग्नेटिक लैसो। बाय डिफॉल्ट अगर आप इसको करेंगे तो ये ऑफ रहेगा, और इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको बताएगा सिलेक्शन लाइन विल बी स्नैप। आपको करना क्या है, जैसा कि मेरे को ये दिख रहा है लास्ट में, आपको दिख रहा होगा ये अनवांटेड चीज़ें मुझे हटाना है, तो मैंने सिंपली यूँ करके यहाँ से यूँ करके ड्रैग कर देना है। वो ऑटोमेटिक उनको डिटेक्ट करेगा, आप देखेंगे ऑटोमेटिक उनको डिटेक्ट करेगा और वो इरेज हो जाएगा, और आपको भी देखेंगे बिल्कुल ऐसा फिनिशिंग से आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कोई वहाँ पर था। और अगर मैं इसको भी हटाना है तो ऐसे ही मैं करूँगा, उसको भी सिलेक्ट कर दूँगा, जिस चीज़ को हटाना है वो ऑटोमेटिक उसको सिलेक्ट करेगा और आपको बता देगा कि आपको इसको हटाना है, और आप इरेज पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे एक भी चीज़ नहीं दिख रही, और आप पता भी नहीं लगा पाएंगे इससे पहले यहाँ पर कुछ था या नहीं था। इतने अच्छे तरीके से वाला फीचर काम करता है। मैं आपको कोई दूसरी फ़ोटो में ही बताऊँ। मान लो ये मेरी फ़ोटो है, और आप देख रहे होंगे मेरी फ़ोटो में किसी का ये यहाँ पर ही फ़ोटो में हाथ आ गया, आपको दिख रहा होगा। अब मुझे ये हाथ को हटाना है, ठीक है, ये मुझे हाथ को यहाँ से रिमूव करना है, तो मेरे को सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद मुझे जाना है यहाँ पर इसमें, यहाँ जाने के बाद जाना ऑब्जेक्ट इरेजर में, ऑब्जेक्ट इरेजर में जाने के बाद मैग्नेटिक लैसो को ऑन करना है, और उसको ऑन करने के बाद मुझे सिर्फ उसको इतने एरिया को सिलेक्टेड देना है। वो ऑटोमेटिक उसको सिलेक्ट कर लेगा और उसको डिटेक्ट कर लेगा, जैसे कि उसने छोटा सा डिटेक्ट करा। मैं फिर से करूँ ताकि उसको पता लगे अच्छे से, ये उसने देखो बिल्कुल करेक्ट तरीके से उसने कर लिया, और मुझे यहाँ पर सिर्फ इरेज में क्लिक करना है, और जैसे ही मैं इरेज करूँगा और आप देखेंगे वो वहाँ से हट जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इससे पहले कुछ था या नहीं था। इतनी अच्छी तरीके से यार ये फीचर काम करता है, और बहुत ही शानदार फीचर है। आप देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से ये फीचर काम करता है। और भी कोई चीज़ को आपको रिमूव करना हो तो सिर्फ आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना है और वो चीज़ वहाँ से डिलीट हो जाएगी। मान लो ये मेरी फ़ोटो है, और आप देखेंगे साइड में एक एडवर्टाइजमेंट सी आ रही है, मुझे वो उसको हटाना है। ये पेपर से आपको दिख रहा होगा, मुझे इसको हटाना है। सिंपल इस पर जाना है, इस पर जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, इस पर जाने के बाद मुझे जाना है ऑब्जेक्ट इरेजर में, ऑब्जेक्ट इरेजर में जाने के बाद वापस जाना है मैग्नेटिक लैसो में, एंड देन मुझे इतने एरिया को यहाँ पर अच्छे से सिलेक्ट कर देना है। जैसा कि मैं दोबारा से करूँ, मेरे को अच्छे से उसको सिलेक्ट कर देना है। अच्छे से मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया है, जैसे ही सिलेक्ट होगा आपको उतने एरिया को सिलेक्ट कर देना है, वो ऑटोमेटिक उसको कैप्चर कर लेगा, और आपको सिर्फ इरेज नाउ पर क्लिक करना है, और वो बिल्कुल ही फाइनल रिजल्ट देगा, आपको पता ही लगेगा इससे पहले कुछ था। इतना शानदार तरीके से फीचर काम करता है, और ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी नई अपडेट यार आपको सबसे पहले मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो सर उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो को शेयर करना ना भूले, ताकि ऐसी नई अपडेट यार आपको सबसे पहले मिलते रहे। और अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की करूँगा, और अच्छे अच्छे सैमसंग गैलेक्सी के नए मॉडल्स लेता रहूँगा, क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा तभी तो मैं नए मोबाइल ले पाऊँगा और आपको नए नए फीचर्स के बारे में बताता रहूँगा। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू सो मच।